नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियोस के बारे में। एक महीने में आपने देखा होगा कि ना तो चैनल पे एक नई वीडियो आई है, ना ही कोई नया कंटेंट अपलोड किया गया है। लास्ट टाइम जब मैं यूट्यूब पे लाइव आया था तो मैंने कहा था कि यार कुछ इशूज चल रहे हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए। आप लोगों ने वेट किया, समझा उस चीज़ को, आपने मेरे डिसीजन की रेस्पेक्ट की, दैट रूली मीन्स अ लॉट टू मी। उस ड्यूरेशन में भी आपने सपोर्ट किया, आपने प्यार किया एज यूजुअल, एज जनरल जो आप करते आए हैं, उसके लिए थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। जब मैं YouTube पे लाइव आया था तो करीबन एक महीना हो गया है उस चीज़ को, और उसके बाद से अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है, अभी तक कोई नया कंटेंट अपलोड नहीं किया गया है। क्या रीजंस हैं, क्या समस्या है, क्या चल रहा है ऐसा मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आप लोगों के साथ मैं खुल के आज शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा भी मन हल्का हो जाएगा, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा अगर आप लोग सुनेंगे तो। सुनिएगा, बने रहिएगा। YouTube और YouTube के मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी जितनी ऑडियंस है, लाइक इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें जो अपने दिल की बात है, जो मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, उसको मेरे को शेयर करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम गोना शेयर विद यू गाइस। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि चलो इन्होंने बताया कि किसकी वजह से इतना लेट हुआ और किसकी वजह से जो है ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए चैनल पे। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि एसी चल रहा है तो हो सकता है कि इसकी आवाज़ आ रही हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। करेंटली आई एम इन अ सिटी, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर मैं बिना इसके अगर बनाऊँ आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं लथपथ हो जाऊँगा। वीडियोज़ तो बहुत दूर की बात है, मैं नॉर्मली बात भी नहीं कर पाऊँगा, तो इस चीज़ को बेयर कीजिएगा, इसके लिए माफ़ी है आपसे। चैनल पे 9 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप द लव कमिंग बैक। मच लव टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, माय डियर। क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ दिनों से जब से वीडियोस नहीं आ पा रही थी चैनल पे, तब से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। कुछ लोग पीछे पड़ने का मतलब है बाहर के कुछ नहीं, कुछ कोई गुंडे नहीं, आप में से मेरे जो कुछ प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे लव्ड वंस बोल सकते हैं, ऐसी ऑडियंस जो हमेशा प्यार देती रहती है, ऐसी ऑडियंस जो हमेशा रिस्पेक्ट देती रहती है, ऐसी ऑडियंस जो हमेशा सपोर्ट करती रहती है, दे ऑलवेज लुक आउट फॉर सम इंस्पिरेशन, दे ऑलवेज लुक आउट फॉर सम मोटिवेशन। ऐसे प्यारे प्यारे लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर नई वीडियोस कब आएंगी, क्यों नहीं आ रही हैं, अरे नई वीडियोस लाओ ना, अरे प्लीज़ अपलोड करो ना, अरे ये कोई बात थोड़ी होती है सर, आपके तो भाव बढ़ गए हैं, आप तो बड़े आदमी बन गए अब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों में किसी एक को भी ऐसा लगता हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कोई कैमरा मूव करने वाला है नहीं मेरे पास अभी, वरना मैं कैमरा मूव करवाता और साष्टांग या दंडवत माफ़ी भी करके दिखा देता आप लोगों को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अपनी ओर से चाहता हूँ कि वीडियोस आती रहें, कंसिस्टेंट बेसिस पे आती रहें, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले, और मेरी भी इससे हेल्प हो पाए, मैं भी ग्रो कर पाऊँ। एक पर्सनली इंसान को भी तो चिंता होती है ना इस चीज़ की, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे एज वेल एज ऑडियंस भी ग्रो करे, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें रहीं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे में कुछ ऐसा है या फिर जेन्युइन रीजंस थे जिसकी वजह से मैं फंस गया था, स्टक कर गया था चीज़ों में, जिसकी वजह से नहीं आ पा रही थी वीडियोस, जिसकी वजह से मैं बना ही नहीं पा रहा था वीडियोस। तो ये तो जी चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं शुरू से, क्या हुआ। मेरी तबीयत ख़राब थी जब मैं घर पर था, घर में आप सबको पता है कि मैं सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ, ईस्ट यूपी में। घर पर था तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हुई तो मैंने कहा यार कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद वीडियोस अपलोड करेंगे, 2-4 दिनों के बाद जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अब था कि हाँ चलो अब तबीयत सही हो चुकी है, नेक्स्ट डे ना नई वीडियो शूट करूँगा। नई वीडियो शूट करने का हुआ, जैसे ही सो के उठा तो देखा कि यार चेहरे पे कुछ कीड़ों ने लव बाइट्स दे रखे हैं, इधर 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 इधर, अभी भी यहाँ पे निशान आपको मिल जाएंगे।
मैं परेशान, मैंने कहा अच्छा अब वो ऐसे फोड़े से हो जाते हैं कि आप उसको फोड़ के भी कुछ करो तो फिर वो जख्म और घाव टाइप हो जाएगा, तो सही नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि अब चलो और वेट करते हैं, दो चार दिन और वेट करना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं इन बिटवीन मेरा प्लान था कि यार मेरे को कहीं ना रीलोकेट करना है, या पहले से ही था, कहीं नहीं एक स्पेसिफिक सिटी में मेरे को रीलोकेट करना ही था, ये मेरी तहे दिली इच्छा थी। तो तहे दिल इच्छा होने के बावजूद अब मैं सोचता था इसके बारे में कि कैसे रीलोकेट करूं, और कोरोना भी चल रहा था उस समय, सेकेंड वेव, और ये बहुत कुछ इश्यूज थे, आप लोगों को पता ही है कितने हमने अपनों को खोया है, कितने अपने लव्ड वंस को इस ड्यूरेशन में खोया है, काफ़ी लोग हम में से डिप्रेशन में भी गए इस चीज़ से, और काफ़ी सहम किया है हमने, काफ़ी सहम से भी गए हैं बहुत सारे लोग, बात की भी है मैंने कई ऐसे लोगों से ही बात की जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, जिन्होंने अपने अपनी माताजी को, अपने पिताजी को, सबको, फैमिली मेम्बर्स को भी खो दिया है। तो काफ़ी क्रिटिकल सी, काफ़ी टफ सिचुएशन रही इस ड्यूरेशन में, और हमने खुद को स्ट्रांग बना के रखा है, हमने खुद की केयर की है, हमने खुद को संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला आपको और स्ट्रेंथ दे और मजबूती दे, और आपके अंदर जो वीकनेस है वो हटे, ठीक है जी। तो रीलोकेट करने का प्लान क्यों था, इसके कई रीजंस हैं। एक तो मेरा घर जो है पॉश एरिया में, पॉश एरिया क्या मतलब, एक तरीके से बोला जाए तो हाईवे पे मेरा घर है, तो वहाँ पे शोरगुल काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, तो छोटी मोटी गाड़ियाँ जो होती है उनके हॉर्न वॉर्न तो इतने वो नहीं होते स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रक हो गए, बसेस हो गई, पो पी पो, और इतना वो तेज़ बजाते हैं कि पूछो मत आप, एकदम मतलब दो मिनट तक, चार मिनट तक पो पो पो, ये कोई बात होती है। अब मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, कॉल पे हूँ, वो बता रहा है इंसान कि मेरा सर ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, या मैं परेशान हो गई, मैं अब ये कर लूँगी, मैं ऐसे ऐसे करके बातचीत हो रही है, अब उधर से वो आवाज़ पे, तो कई बार क्लाइंट भी जो है वो मज़े लेने लगते हैं कि सर आप रोड पे हो क्या। मैंने कहा नहीं जी मैं रोड पे नहीं हूँ, रोड पे मेरा घर है, और जिसकी वजह से मैंने ऊपर भी एक कमरा बनवाया हुआ है कि थोड़ा इसमें आवाज़ कम आए, फिर भी उसमें आवाज़ आती आती थी। तो एक इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि शोरगुल ये काफ़ी ज़्यादा है। लोगों का भी कई बार ऐसा होता है कि उनको अगर जैसे बाहर में लोगों को बातचीत करनी है तो थोड़ा कम आवाज़ में बोलेंगे, वहाँ पे ए, ए। ये चीज़ भी है। तो एक शोरगुल का इशू है, इससे वीडियो शूट नहीं हो पाती है, क्लाइंट से प्रॉपर वे में बातचीत नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा इशू है कि इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इशू है कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करो, लाइव आ जाओ तो एकदम स्ट्रक सा, और वीडियो अपलोड करो तो घंटे दो घंटे लग जाएं, कभी जो है वो नेटवर्क ही नहीं है, पूरा नेटवर्क ही गायब है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है। तीसरा इशू है कि लाइट का, लाइट कुछ फिक्स नहीं है, गांव है, टाउन है, तो लाइट का भी अपनी इच्छा के अनुसार है, लाइट आ गई, चली गई, थोड़ी बहुत बारिश हो गई, थोड़ी आंधी आ गई तो लाइट नहीं आई, ये काफ़ी ज़्यादा इशूज़ है वहाँ पे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी का इशू, लाइट का इशू हो गया, शोरगुल का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया, इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया। इसके साथ साथ मेरा मन भी ना घर पे एक्चुअली क्या है कि लगता नहीं था, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि आई लव समथिंग, आई लव समबडी, समबडी तो नहीं बोल सकते, समथिंग बोल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपके मन में वो चीज़ होती है ना कि इफ़ आई लव हिम, इफ़ आई लव हर, तो आई नीड टू बी विद हिम, आई नीड टू बी विद हर, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। तो ऐसे ही मेरा प्रेम हो गया है वृंदावन से, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा लव, इश्क बोल सकते हैं आप उसको, कई बार यहाँ पे आना जाना होता है तो ऐसा अजीब सा लगने लगा, आप चाहे उसको आप पागलपन बोलो, चाहे आप उसको आसक्ति बोलो, चाहे आप उससे उसको अटैचमेंट बोलो, चाहे आप यू कॉल इट एनीथिंग, बट वो एनीथिंग मेरे अंदर ना एकदम घुस चुकी है, एकदम दब चुकी है कि मैं इसके बिना अब रह नहीं सकता। तो मेरे मन में था कि यार मेरे को ना वृंदावन में रहना है एंड वहीं रहूँगा, और वहीं से जो भी वीडियोज़ बनेंगी, जो भी होगा, एक व्लॉग चैनल ओपन करने का भी प्लान था जो कि चल रहा है, जिसकी प्लानिंग और सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ थी मेरे मन में, तो मैंने कहा यार चलो फिर चलते हैं, अच्छा मौका है, थोड़ा कोरोना का ये वेव कम हुआ, फिर मैंने आया, फ्लैट वेट देखा, फिर ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं सेटल हो गया। तो अब करेंटली आई एम इन वृंदावन, जिसका नाम सुनते ही मतलब गूज बम्स हो जाते हैं, और एकदम यू फील अमेजिंग, यू फील ब्लेस्ड, आनंद ही आनंद है यहाँ पर। आनंद का देखिए उल्टा नहीं होता है, खुशी, अगर आप सोचो ना कहीं पे कि मेरे को ना उस सिटी में खुशी मिलती है, तो खुशी का उल्टा है कि आपको दुख मिल सकता है, आनंद का कोई उल्टा नहीं है, आनंद का उल्टा भी आनंद ही है, आनंद, और आनंद का उल्टा अगर बोले तो विरह, जिसमें भी आनंद है तो आनंद ही आनंद है। अब चाहे इसको आप ऊपर वाले की कृपा बोलें,
चाहे आप इसको मेरा पागलपन बोलें, चाहे आप यू कॉल इट कुछ भी आप बोलें कि यार ये क्या बात होती है, मतलब कोई इंसान सिटी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, इतना लगाव रख सकता है? हाँ होता है, कई लोगों का होता है। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा था कि यार यहाँ पे मेरे को ना सेटल होना है। तो फिर यहाँ पे आया मैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि एकदम जैसे सारा कुछ आपको सामान लेके आना है, राइट। अब किचन में आइटम्स जो हैं छोटे छोटे आइटम्स करके, वॉशरूम का हारपिक, ये वो, दाल चावल आटा, गैस सिलेंडर का जुगाड़ करना, इसका जुगाड़ करना, समझ रहे हो आप, मेड ढूंढना, मतलब ऐसे जैसे कि आप अपनी गृहस्थी बसाने के लिए आए हो अपनी वाइफ के साथ, अब यहीं पर रहना है सेटल। तो इतने सारे इश्यूज़ हुए। अब यहाँ पे इश्यूज़ होने के बाद सेकेंड या थर्ड डे था कि जब मैंने गोलगप्पे और चाट स्ट्रीट फूड खा लिया। मैंने खाने के बाद क्या, मैं पेट ख़राब तो दो तीन दिन, फिर मैंने दवाई ली, फिर भैया रेस्ट लो। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो डाइजेशन है, मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी सी वीक है, मेरी बॉडी वीक है, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। तो इस चीज़ की वजह से यार मेरे को लगा कि चलो दो चार दिन रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वीडियोज़ बनाएंगे। फिर ये सही हुआ। फिर खाने पीने का मेरा ऐसा है कि कभी ठंडा गर्म ऐसा कुछ हो गया, फिर उसके बाद मुंह में छाले हो गए। छाले ऐसे हुए कभी एक इधर एक जीभ में, एक इधर। अब मैं कुछ ना तो कुछ खा पाऊँ ना कुछ पी पाऊँ। पीने में है कि हाँ आप दाल पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो, आप छाछ पी सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं खाया करता था, पिया करता था, तो इससे थोड़ा आराम मिला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब इसमें टाइम लगा। अब फिर उसके बाद मेरे को लगा यार चलो थोड़े दिनों के बाद ही वीडियोस बनाएंगे, पहले थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, तो घूमना भी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे अब जाके थोड़ा मैं सेटल हो गया कि हाँ अब मैं नए यूट्यूब वीडियोज़ शूट कर सकता हूँ। अब इस ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों को लगा हुआ कि यार वीडियोज़ तो आ ही नहीं रही हैं, राइट। लेकिन इस ड्यूरेशन में 1 मिनट मोटिवेशन पोस्ट किए गए हैं चैनल पे, ताकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रहे, और उसके साथ साथ आप लोगों को भी कोई मोटिवेशन मिल पाए, कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए, आप लोग भी कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो ये चीज़ें रहीं। अब इतना सब कुछ था हौच पौच जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता था। अब आपको जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक हो, किसी भी चीज़ में फंसे हुए हो, तो समझदारी है कि पहले उन चीज़ों को क्लियर आउट कर लो, क्लियर आउट करने के बाद एंड देन यू डू योर जॉब, राइट। बस यही कहना चाहता था। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, आप लोगों ने काफ़ी प्यार किया है, काफ़ी सपोर्ट करते भी हैं, काफ़ी प्यार करते भी हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अपना सा लगता है। बस यही कहना चाहता था कि ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। यही बातें थी, यही चीज़ें थी जो मेरे को शेयर करनी थी। और कुछ तो है नहीं, अगर और कुछ होता है तो अपडेट ज़रूर आप लोगों को दिया जाएगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में दो वीडियोस, एटलीस्ट दो अच्छे वीडियोस विद द ग्रेट कंटेंट आपको मिल पाएँ, आप लोग मोटिवेशन लें, आप लोग इंस्पिरेशन लें, उस चीज़ से समझ पाएँ, सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, और ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री श्यामा श्याम ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।